यहाँ पे फ्रेंड्स बन रही है सब्जी और एक तरफ बन रहा है चावल। चावल बन गया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और देख लीजिए, हमारी शुरुआत होती है ब्लॉक के किचन से। किचन में बन रही है सब्जी, बॉयल आ चुका है और मैं दिखाती हूँ आपको पास से किस तरीके से सब्जी खदक रही है। उसके बाद में हम चलते हैं पूजा करने। मेरा दिया और मैं दिया को जलाने जा रही हूँ। आइए अथर्व। आज चल रही है हवा तो इसलिए दीपक बुझ गया है, लेकिन हम फिर भी जलाएंगे। यह जलाया है, देखो ये जल रहा। इसको रख देती हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे ही रखना पड़ेगा क्योंकि तुलसी माता के पैर छू लेते हैं। ये देखो दिया जल रहा है। क्यों नहीं, तो कोई सितारा तारे भी लगे हुए हैं और चंद्रमा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये है कुछ रात का व्यू। आइए चलते चलते हैं। हैं। मैं मंदिर तैयार हो गई हूँ, तो देखिए मैंने लगा दिया है लॉक और आगे आ गया अथर्व और इसके पापा जा रहे हैं, पीछे से मैं हूँ। बाइक पे होके सवार चल दी और रास्ते में मिली हमें बहुत ही सुंदर बारात। तो मैंने कहा चलते चलते क्यों ना इस बारात को भी कैप्चर कर लिया जाए, अपने कैमरे में कैद कर लिया। उसके बाद में हम आगे बढ़े। आगे बहुत ही ज्यादा शोर शराबा डांस हो रहा था। उसके बाद में हम पहुंचे मंदिर, प्रसाद लिया। अथर्व होता है हमारी गोदी में और इसके पापा लेते प्रसाद, फिर मैं प्रसाद ले लेती हूँ। प्रसाद उठा लिया है और मैं चल रही हूँ। मैं कुछ अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ, बता नहीं सकती। यहाँ पे पहुंच गए मंदिर में। आपको जैसे पता ही है ट्यूसडे का दिन था, तो हम हनुमान मंदिर जाते हैं और यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रसाद हमने चढ़ा दिया है और प्रसाद हमको मिल भी गया है। और जैसे कि आपको पता ही है कि इस मंदिर में होता है जेंट्स कीर्तन, मतलब सारे जेंट्स मिलकर कीर्तन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बीच में लगी अथर्व को सुसु, तो वही मैं सुसु कराने लेकर आई थी इसको। और उसके बाद में जो बारात निकल रही थी उसमें जो पटाखे जलाए जाते हैं, तो वही वो जल रहे थे, तो उसमें से आवाज़ आ रही थी। तो वही अथर्व रो रहा है, डर रहा है, कह रहा मम्मी चलो अंदर, मंदिर के अंदर चलिए, मंदिर के अंदर चलिए। तो हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, जाकर बैठ गए हैं। उसके बाद में देखिए कैसे बैठा बैठा लड्डू खा रहा है। कल तो इसने ऐसा काम किया कि सारे लड्डू खा गया और मतलब दो ही लड्डू बचे सिर्फ प्रसाद के लिए। आप मुझको कमेंट करके प्लीज़ ये बताना, क्या आप भी ट्यूसडे या थर्सडे या कोई ऐसा फिक्स डे है जिस दिन मंदिर जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके आते हैं? हम तो करके आते हैं, इसलिए हमने ये ऐसी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप भी ऐसा करते हैं। मंदिर में जाकर हम तो सारी टेंशन अपनी भूल जाते हैं, हमें तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। देखिए यहाँ पर सारे जेंट्स मिलकर कर रहे हैं भजन और सारे मग्न हैं, बहुत तेज तेज मतलब गाना गाते हैं बड़े अच्छी तरीके से। और यहाँ पर थोड़ा सा बेटा करता है मेरा परेशान, कहता है मम्मी मुझको गोदी में ले लो क्योंकि मुझको ठंडी लग रही है। तो हम इसको गोदी में ले लेते हैं और गोदी में लेने के बाद में इसको आ जाती है नींद, और नींद आ जाती है तो फिर बाद में मैं अपनी गोदी में सुला लेती हूँ। फिर बाद में जो पास में ही चटाई है ना, मैं उसमें उसको लिटा देती हूँ क्योंकि पैर है ना सुन्न हो जाता है, झंझनाहट की होने लगती है। यहाँ पर ये होता है जब जो कीर्तन है जब एंड होता है ना, तो ये सीताराम गाया जाता है। उसके बाद में कीर्तन एंड हो जाता है और बज रहे थे 10, तो 10 बजे जो मंदिर के हैं पट बंद हो जाते हैं, इसलिए हम लोग फिर चले आए, अपनी बाइक उठाई और अपने रास्ते की ओर चल दिए। मैं आ गई हूँ घर और घर आने के बाद में हो गई है ड्यूटी स्टार्ट। क्या सब्जी को गर्म करना है और दूध को लगाना है फ्रिज में, तो लगा लेते हैं। बात ये कि मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्जी, लेकिन उसमें ऐड कर दिया था तो थोड़ा सा बेसन, इसलिए जो सब्जी है थोड़ी सी थिक हो गई। इस वजह से मैंने डाला उसमें पानी। पानी डालने के बाद में सब्जी हो गई थोड़ी गीली सब्जी, इसलिए लिक्विड सब्जी इसलिए क्योंकि हमने बनाया था चावल। चावल के साथ में थोड़ी सी लिक्विड सब्जी अच्छी लगती है। जो भगोने वगैरह थे, वो दूध वगैरह था, वो मैंने रख दिया फ्रिज में। उसके बाद में देखिए अच्छे से पक गई सब्जी। अब इस सब्जी को हम उतार लेंगे।
सब्जी को उतारने के बाद में चलेंगे नीचे। देख पक गई है, पानी की उठा लेते हैं बोतल और चलते हैं नीचे की ओर। ये एक पानी की बोतल मैंने उठा ली है, अब चलती हूँ नीचे। क्या खा रहे हो आप? दिया है और ये हमारे बेटे जी हैं, ये खा रहे हैं अपना बिस्किट। देखो टीका कैसे फैला लिया है। और आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। मेरा वीडियो पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और दे रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए, इसको और बिस्कुट दे देना जरा। लीजिए, थैंक यू बोलो। थैंक यू नहीं बोलोगे? एक बार बोलो थैंक यू, थैंक यू। नहीं बोलोगे? अच्छा बिस्कुट दिखाओगे, थैंक यू नहीं बोलोगे। चलिए मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में।